हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेश फूड फॉर एवर। आज मैं आपके लिए मटर के पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये देखिए ऐसे करके बनाया मैंने और ये इस तरह से बनाया है कि बिल्कुल फटेगा नहीं है, आपको बनाने में बहुत इजी रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन और सॉल्ट, साथ में लिया बेसन और एक कप मटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने मटर ले लिए एक कप, उसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च, मिक्सर के जार में डाले मैंने, इसको ग्राइंड कर लिया, दरदरा ग्राइंड करना है, बहुत ज़्यादा बारीक पीसना नहीं है, इसको ऐसे ग्राइंड कर लिया। ये देखिए अब मैंने एक पैन लिया, पैन के अंदर मैं बटर डाल रही हूँ, आप ऑयल या घी कुछ भी डाल सकते हो, ये मैं बटर से बना रही हूँ। टू टीस्पून बटर डाला मैंने इसके अंदर, अब इसको मेल्ट कर रही हूँ। ये देखिए बटर मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जीरा डाल रही हूँ मैं, 1 टीस्पून जीरा डाला मैंने। इसके बाद इसको सौते कर लेंगे। ये देखिए जीरा चटकने लग गया। इसके बाद मैं इसके अंदर एक प्याज डाल रही हूँ, कटा हुआ बारीक काट लिया था प्याज को, वो डाला है इसके अंदर, इसको भी हल्का सा सौते कर लेंगे। ये देखिए सौते हो चुका है। अब इसके बाद मटर डाल रही हूँ मैं जो हमने ग्राइंड करे थे, इसको भी सौते कर लेंगे। अच्छी तरह से पका लेना इसको ताकि जो इसका कच्चापन है वो दूर हो जाए। ये देखिए चलाती जा रही हूँ मैं इसको, बटर मैंने थोड़ा सा ही यूज़ करा है, बहुत ज़्यादा बटर नहीं डाला इसमें। इसको चलाती जा रही हूँ, फ्लेम को लो ही रखा हुआ है मैंने। इसके बाद मैं बेसन डाल रही हूँ इसके अंदर, 1 टेबल स्पून डाला बेसन, इसको भी चला लेंगे। इसमें मॉइस्चर लगेगा तो थोड़ा बेसन और डालेंगे हम इसके अंदर, क्योंकि इसको बिल्कुल मसाले को ड्राई करना है। ड्राई इसलिए करना है ताकि ये जो परांठे हैं हमारे बिल्कुल भी फटेंगे नहीं। है देखिए और डाला मैंने बेसन थोड़ा सा, टोटल मैंने 1.5 टेबल स्पून बेसन डाला है इसके अंदर। ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा मसाला तो फिर ये हमारा जो परांठा है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगा, बहुत ईजीली बन जाएगा, क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर ख़त्म कर देता है बेसन। अब बेसन को भी डाल दिया और भून लिया बेसन को। इसके बाद इसके रेड चिल्ली पाउडर डाल रही हूँ 1 टीस्पून। कोरिएंडर पाउडर डाला 1 टीस्पून। इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको ड्राई करते जा रही हूँ, मिक्स करते जा रही हूँ और बिल्कुल ड्राई कर लेना है मसाले को। ये जो फिलिंग है हमारी मटर की बिल्कुल ड्राई ड्राई कर लेंगे तो बहुत अच्छा परांठा बनेगा। इसके बाद अजवाइन डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून। कोरिएंडर डाला है चॉप्ड। इसके बाद मिक्स कर लेंगे इन सबको। ये देखिए कितना ड्राई ड्राई जो फिलिंग है हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखिए इसके बाद मैंने आटे की लोई ली है और जो हमने फिलिंग बनाई है उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ठंडी हो जाए बिल्कुल, तभी अच्छा बनेगा परांठा, नहीं तो फट जाएगा। अब ये लोई बेल ली, इसके अंदर मैं फिलिंग डाल रही हूँ, बिल्कुल ठंडी हो चुकी है फिलिंग। ये देखिए 2 टेबल स्पून फिलिंग डाली है मैंने, ज़्यादा फिलिंग डाल रही हूँ क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, ज़्यादा फिलिंग होगी तो अच्छा टेस्ट आएगा पराठे का।
अब ऐसे करके इसकी लोई तैयार कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे बना लेना, पूरा पैक कर देना इसको ताकि कहीं से निकले नहीं। अब ये देखिए, ये लोई तैयार हो गई, अब इसको बेलेंगे। सूखा आटा लगाया मैंने इसके ऊपर और इसको हल्के हल्के हाथों से बेलना है बिल्कुल, और साइड से देखिए, साइड से मैं बेल रही हूँ, बिल्कुल साइड से हम बेलते जाएंगे तो फिर फटेगा नहीं। आटा सूखा लगा रही हूँ साथ साथ, ये देखिए साइड से मैं बेल रही हूँ, बहुत सॉफ्टली बेल रही हूँ, बिल्कुल आराम आराम से इसको बेलना है ताकि ये फटे नहीं, और पतला करती जा रही हूँ इसको, पराठे को। ये देखिए साइड साइड में ज़्यादा प्रेस करना है, बीच में नहीं करना, ऐसे ही ये पूरा फ्लैट होता जाएगा, बनता जाएगा। ये देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से कर रही हूँ मैं इसको, बेल रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल पतला पतला कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट क्रिस्पी क्रिस्पी आ जाए, इसलिए। अब तवा मैंने गरम कर लिया था, इसके ऊपर डाल दिया इसको, अब इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। हल्का सा पक गया है तो मैंने साइड चेंज कर दी, अब दूसरी साइड से चेंज करूँगी इसकी साइड। अब इसके ऊपर बटर लगा दूँगी मैं, आप कोई भी ऑयल, देसी घी या ऑलिव ऑयल जो भी आप यूज़ करते हो वो लगा सकते हो। मैंने बटर यूज़ किया इसके ऊपर, ये देखिए अच्छी तरह से बटर लगा दिया। अब इसको सेक लेंगे साइड चेंज करके, दूसरी साइड भी इसके बटर लगा देंगे। ये दूसरी साइड भी बटर लगा रही हूँ मैं, ये देखिए अच्छी तरह से इसको सेक लेना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है ये पराठा। दोनों साइड से सेकती जा रही हूँ, ये देखिए ये पराठा बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए दोनों साइड से सेक रही हूँ, ये देखिए रेडी हो गया पराठा हमारा, कितना बढ़िया लग रहा है ना। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मुझे कमेंट करके बताना ये कैसा लगा आपको, आप बना के ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।